नमस्कार, मैं फलनाथ सिंह, देवना इंटर कॉलेज कुरावली। आज कक्षा 11 में के लिए जो मैं बेसिक चीज़ें लेके आया हूँ, बाद में मैं और थोड़ा सा अच्छा इसको बताऊँगा, लेकिन पहले शुरू में हम बेसिक जो चीज़ लेके आए हैं वो है जो चैप्टर चल रहा था, कार्य ऊर्जा और सामर्थ्य या शक्ति कहिए। उसी में मैंने अभी तक जो बताया था वो नियत बल द्वारा किया गया कार्य बताया था के लिए सूत्र निकलवाया था, और वो सूत्र हमारा ये निकल के आया था, W=FD cos θ। इसमें F नियत था, नियत ये था। अगर इनकी दिशा, अगर थीटा हमारा जीरो है तो W=FD होगा। कहने का मतलब अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, इसमें ये F है और ये विस्थापन है, यहाँ से यहाँ तक ये डी, ये विस्थापन है। तो इससे जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होगा ये विस्थापन बल वक्र या बल विस्थापन वक्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल होगा वो W के बराबर होगा। लेकिन अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर ये हमारा बल परिवर्ती हो, इस तरह की स्थिति हो, इस तरह की, ये इस तरह से बल परिवर्तित हो रहा, तो किया गया कार्य कितना हुआ? इस पर विस्थापन ले रहे हैं और इस पर बल ले रहे हैं, बल, तो किया गया कार्य कितना हुआ? X2। तो ये हमारा कहलाएगा परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। तो परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य के लिए क्या लेते हैं? यहां पे एक छोटा सा विस्थापन ले लेते हैं dx, और यहाँ पर जो आरोपित बल होगा वो होगा F से प्रदर्शित करते, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा में किया गया कार्य वो कहलाएगा अल्पकार, अल्पकार जो होगा dW वो होगा F(dx)। पूरा कार्य निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कुल कार्य, W बराबर F(dx) x1 से x2, अर्थात इससे वक्र से घिरा क्षेत्रफल, वक्र से घिरा क्षेत्रफल, ये हमारा W कुल का। तो इस तरह से हम ये परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य है, जिसके लिए हम आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे। तो हमने सूत्र पढ़ लिए, इसमें एक आपको एक उदाहरण बता देते हैं। जैसे मैंने स्प्रिंग को दाबा, इस तरह से स्प्रिंग को दाबा और दाबने पे किया गया कार्य कितना हुआ, क्योंकि जो बल होता है वो दूरी पर निर्भर करता है दबाने पे। देखिए ये स्प्रिंग है, इसकी प्रारंभिक स्थिति ये है, ठीक, इस X0, इसको हमने दाब लिया इस तरह से, ये बल द्वारा, तो इस पर ये इधर की तरफ बल भी लगेगा, तो ये जो बल होगा वो kx होगा, तो ये भी बल जो होगा वो kx के बराबर होगा, परिमाण में बराबर होंगे और दिशा में विपरीत होंगे। x ये दूरी, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी, हम इसको x, इसको ऐसा करते हैं y0 ले लेते हैं, y0, ठीक है, ये तो इसमें y0 नहीं, x ही ले लो, x क्या हुआ, विस्थापन हो गया, और अंतिम स्थिति ये होगी। तो यहाँ पे जो किया गया कार्य होगा W=FdX, F हो जाएगा kx(dx) और लिमिट x0 to x, तो इसको हम करेंगे kx2/2 0 to x, तो ये हो गया 1/2 के x²-x0² ये W हो जाएगा। यही कार्य क्या होगा, इसमें स्प्रिंग के अंदर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, जिसको हम इसके प्रत्यास्थ ऊर्जा या स्प्रिंग में संचित ऊर्जा के बराबर होगा, चाहे हम खींचे चाहे हम
दबाएं, तो इसमें जो आरोपित बल है वो दूरी पर निर्भर कर रहा है, तो ऐसे बल को हम कहते हैं परिवर्ती बल, और इसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा उसको हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इस पर आधारित हैं जो अभी तक हमने पढ़ा। पहला जो न्यूमेरिकल है वो डॉट प्रोडक्ट पर आधारित है। इसको देखिए, हमें डॉट प्रोडक्ट पता है, दो अदिश राशियों को सदिश राशियों का गुणा इस प्रकार किया जाए कि उनका जो गुणनफल है वो एक हमें अदिश राशि प्राप्त हो। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, जब बल, एक बल दिया हुआ है, वो बल है F बराबर 5i प्लस 2j प्लस 3k, ये बल लगाया जाता है जिससे किसी पिंड पर कार्य करता है, तो पिंड में 10i प्लस 12j प्लस 13k का विस्थापन होता है, ये विस्थापन होता है। तो इसमें ये पूछा है बल द्वारा किया गया कार्य याद करना है, कुछ नहीं है, सरल सा क्वेश्चन है, क्या करें, W बराबर एफ डी, और ये होगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, ये तो इसको निकालेंगे तो 5×50 प्लस 12×2=24 प्लस 13×3=39 जोड़ेंगे तो ये 9×4=13, 5×2=7 और 3×10 और 13 जूल, ये 113 जूल हमारा कार निकल के आएगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, 5 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 10i माइनस 3j प्लस 6k, 3j प्लस 6k न्यूटन से आरोपित होता है, 10i माइनस 3j प्लस 6k न्यूटन बल से, अंतर्गत 6i प्लस 5j, 6i प्लस 5j माइनस 3k मीटर से कितना, 10i माइनस 2j, 10i माइनस 2j प्लस 3k मीटर तक विस्थापित होता है, 3k मीटर तक विस्थापित होता है। तो कृत कार्य की गणना करो, तो ये तो हमारा F है, और D हम कैसे निकालेंगे, इनके अंतर से, 10i माइनस 2j प्लस 3k, ये अंतिम स्थिति दी हुई है, माइनस 6i प्लस 5j माइनस 3k, तो ये हो जाएगा, इसको इसमें से घटाएंगे 4i, इसको इसमें से घटाएंगे तो माइनस 7j, और इसको इसमें से घटाएंगे प्लस 6k मीटर, ठीक। अब किया गया कार वही से निकालेंगे, किया गया कार W बराबर F डॉट डी, तो कार सीधा सीधा हम इनका अदिश गुणन कर देंगे, अदिश गुणन क्या होगा इनका, इसका, इसमें देखिए, इसका ये है और इसमें देखिए, ये देखिए, ये और ये हो गया 10×4 प्लस माइनस 3×-7 प्लस 6×6, तो ये 40 प्लस 21 प्लस 36, तो ये 6×7 4×2=6 और 3×9=10, 107, तो इस तरह से ये हमारा, लेकिन इसमें गड़बड़ हो रहा है, 10, 40 3×2=5 और 6×11 और 6×7 क्या गड़बड़ हुआ है, 10×40=21 और 6×9=36, तो ये देखिए, हाँ ये गड़बड़ है, 10 होगा, ये चीज़ 10 होगी, मैंने प्लस 10 हो जाएगा, ये 10, तो ये 10 होगा, तो यहाँ पे 10
और 10 तो यहाँ पे 60, तो 121 हो जाएगा, 121 जूल जूल। तो ये जो दोनों क्वेश्चन थे वो हमारे डॉट प्रोडक्ट पर आधारित थे, और अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा घुमा के दिया है लेकिन है वो डॉट प्रोडक्ट पर आधारित क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए। वो क्वेश्चन ये है, एक पिंड बाई अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है, इसका मतलब है विस्थापन बाई अक्ष की तरफ हो रहा है, और उस पर आरोपित बल -2i + 15j + 6k, ये बल आरोपित लग रहा है, आरोपित हो रहा लग रहा है, तो पिंड का विस्थापन बाई अक्ष के अनुदिश 10 मीटर होता है, इसका मतलब उसका जो विस्थापन है वो हो रहा है 10j, या यूँ हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 0 × i + 10j + 0 × k, इसके बराबर हो रहा है। तो बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो, तो सीधा सा है W = F.T, तो ये हो गया -2i + 15j + 6k डॉट इस तरह से 0 × i + 10j + 0 × k, इस तरह से ये सब जीरो हो जाएंगे, प्लस ये हो जाएगा 15 × 10 प्लस ये भी 6 × 0, तो ये हो जाएगा 150 जूल जूल, ये किया गया कार। अब इसमें आपने देखा होगा कि ये जो क्वेश्चन था वो सरल थे, डॉट प्रोडक्ट पर आधारित थे। अगला क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा कठिन बना दिया है, वो उस क्वेश्चन को देखो, पहले सुन लो क्वेश्चन को और फिर मैं इस क्वेश्चन को आपको दिखा भी रहा हूँ। देखिए, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक कण नियत वेग के प्रभाव से एक्स अक्ष के अनुदिश करता है, कण का विस्थापन और टी में संबंध दिया हुआ है, ये टी बराबर अंडर रूट एक्स प्लस 2 और एम बराबर 1 किलोग्राम किससे दिया हुआ है। तो इसमें पहले ही हमें निकालना है कण का विस्थापन जब वेग 0 हो, पहला कण का विस्थापन जब वेग 0 हो, 0 और दूसरा है, दूसरा इसमें पूछा गया है पहले 6 सेकंड में बल द्वारा किया गया कार्य, पहले 6 सेकंड में बल द्वारा किया गया कार्य, देखो पहले हम इसको लिखते हैं, तो ये क्या दिया हुआ, टी बराबर हल टी बराबर अंडर रूट एक्स प्लस 2, तो अंडर रूट एक्स बराबर टी माइनस 2, वर्ग कर दिया एक्स बराबर टी स्क्वायर प्लस ये टी माइनस ये दिया हुआ है 3, तो इसको हम वर्ग करेंगे प्लस 3 का वर्ग 9 माइनस 2 × 3x, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर टी स्क्वायर माइनस 6x + 9। अब हम पहले इसका विस्थापन निकालते हैं, विस्थापन से वेग 0, वेग निकालते हैं, तो वेग होगा dx/dt, अर्थात d/dt और टी स्क्वायर माइनस 6x + 9 बराबर 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2t - 6 = 0, तो t बराबर 3 सेकेंड, इसका मतलब है 3 सेकेंड पर वेग 0 हो जाएगा। तो विस्थापन निकाल लेंगे, x बराबर 3 का स्क्वायर - 6 × 3 + 9, तो ये हो गया 9 - 18 + 9 बराबर 0, इसका मतलब विस्थापन उसका 0 होगा, पहला उत्तर हमें पता चल गया। अब 6 सेकंड में बल द्वारा किया गया कार्य, तो इसमें देखिए प्रारंभिक विस्थापन कितना होगा, प्रारंभिक
विस्थापन एक्स वन क्या होगा, इसमें हम क्या रखेंगे टी बराबर जीरो रखेंगे, तो इसमें रख देंगे तो जीरो का स्क्वायर माइनस सिक्स इंटू जीरो प्लस नाइन, तो ये बराबर नाइन नौ मीटर। ठीक, बाद में बाद का अंतिम विस्थापन, अंतिम विस्थापन या दूरी, तो ये कितना हो गया, ये हम निकालेंगे t इक्वल टू सिक्स, तो x2 बराबर सिक्स का स्क्वायर माइनस सिक्स इंटू सिक्स प्लस नाइन, तो ये हो गया सिक्स का स्क्वायर माइनस सिक्स का स्क्वायर प्लस नाइन, तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये हो गया नॉन नॉन मीटर। अब कुल विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन डेल्टा एक्स बराबर एक्स टू माइनस एक्स वन बराबर नौ माइनस नौ बराबर जीरो। जब विस्थापन शून्य हो गया तो किया गया कार, किया गया कार कैसा हुआ, शून्य हुआ, शून्य हुआ। तो इस तरह से ये थोड़ा हटके क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो थोड़ा सा अच्छा है। क्वेश्चन ये है, 50 किलोग्राम वजन का एक आदमी 10 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ता है और गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य की गणना करो। देखिए दो चीज़ें, बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य और गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य, दोनों में हमें ये देखना है कि वस्तु विस्थापित किधर हो रही है। देखिए देखिए इसमें स्थिति ये है, यूँ चलता इस पर जा रहा, ये इस पर चलता है इस, तो कुल ये विस्थापन होता है 50 मीटर, 50 मीटर नहीं सॉरी 10 मीटर, ये विस्थापन है वो 10 मीटर है और यहाँ पर जो m है वो है 50 किलोग्राम और g जो दिया हुआ है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है। तो देखिए बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य, क्यों भार नीचे की तरफ लग रहा है, बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य, यह कार्य डब्ल्यू बराबर एम जी एच, एम जी एच एम 50 जी 9.8 इंटू 10, ये 10 मीटर है, 10 मीटर, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 50 इंटू 98 बराबर 49 जो। अच्छा, और गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि विस्थापन ऊपर की तरफ हो रहा है तो वो ऋणात्मक हो जाएगा, गुरुत्वीय बल बल द्वारा किया गया कार्य ये बराबर हो जाएगा माइनस एम जी है, इसको सॉल्व करेंगे लेकिन इनका आंकिक मान जो होगा वो 49 जूल होगा, आंकिक मान जो होगा वो 49 जूल होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसमें जो है वो ग्राफ पर आधारित है। इसमें देखिए एक ग्राफ दिया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं एक ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ में बल विस्थापन वक्र दिया है। मैं आपके सामने पहले ग्राफ बनाता हूँ उसको देखता हूँ। देखिए ये दिया हुआ, दस बीस तीस चालीस, दस बीस तीस चालीस, ये बल दिया और ये विस्थापन, विस्थापन
दो चार छः आठ और ग्राफ इस टाइप से, दिया हुआ है। तो इसमें किया गया कार्य ज्ञात करना, तो सिंपल सा है, किया गया कार्य हमें इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, किया गया कार्य W बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, एक बटा दो 40 इंटू आठ, तो ये दो से कट गया, चार बार 160 जूल, 160 जूल हमारा उत्तर निकल गया है। लेकिन इसमें ये था, चलो ये यहाँ तक है, 10 तक थोड़ा, सॉरी इसमें ग्राफ जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ, दो ऐसे समझ, ये दो चार छः आठ दस ऐसे दिया हुआ, तो इस तरह से ये हमारा जो होगा वो यहाँ पे 10 होगा, 10 तो सॉल्व करेंगे तो ये 200 जूल हो जाएगा, 200 जूल जो प्रश्न में दिया है 200 जूल। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है, एक बल F जो दिया हुआ है वो इस तरह से दिया है जो X पर निर्भर करता है, F बराबर ये है 5 - 3x, 3x + 2x² ये बल है, ठीक है। X अक्ष के अनुदिश x = 0 से x = 4 तक चलता है, तो किया गया कार्य ज्ञात करें, 0 से x 1 0 है, x 2 = 4 meter है, तो कार्य जो होगा वो होगा f dx x 0 से 4 तक। तो इसमें रख दीजिए 5 - 3x + 2x² × dx और यहाँ से 0 to 4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5x - 3x² / 2x³/3 और इसकी लिमिट रख देंगे 0 to 4। तो इसमें 5 × 4 - 3 × 4² / 2 + 2 × 4³/3 - 0, तो ये हो गया 20 - 3 × 4 = 16 / 2 + 2 × 4 = 64/3। तो इसमें हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20 - 8 = 24 + 2 × 8 = 12 = 128/3 और W बराबर ये देखिए हो गया 128/3 - 4, तो इसको एलसीएम 3 128 - 12, तो ये बचा 116/3 जूल। तो इसको इस तरह से हम निकाल लेंगे और हल भी कर लेंगे तो ये आएगा 38.87 जूल लगभग। ठीक, तो ये प्रश्न थे 6-7, यहाँ पे 6-7 होगा, ये प्रश्न थे जो हमने कार्य के ऊपर निकाले, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपके शक्ति के बारे में बताऊंगा, तब उसके बाद ऊर्जा पे आता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ ये आपको लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आप न्यूमेरिकल भी इसके साथ साथ करते रहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मैंने ये आपको पहले ही चीज़ बता चुकी है। और जो भी डाउट्स हों वो आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाएँ, तो जिससे मुझे आपको और अच्छी वीडियो बनाने में सहूलियत हो। धन्यवाद।